सस्त्रीकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सो देख सकते हैं जैसे आप लोग की बहुत ज्यादा कोहरा है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ चंडीगढ़ टू अपने घर दिल्ली में, और आज बहुत ज्यादा ठंड होने वाली है और रिस्की होने वाला है ड्राइविंग। सो बीच बीच में मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा कि क्या सिचुएशन है। अभी तो बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत ज्यादा फॉग है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना जबरदस्त कोहरा हो रहा है, स्पेशल इफेक्ट आ रहा है। गाड़ी धीरे चला रहे हैं, सभी लोग धीरे चला रहे हैं सड़क पे, जिससे सब कोई सेफली जा सके जहां जा रहे हैं। बट पता नहीं ये ठंड कब जाएगी। देखो आप, जैसे लग रहा है किसी धुंध के बादल में घुसे चले जा रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अभी मैं जब आ रहा था तब भी ऐसे ही कोहरा था, एंड इट वाज सो डेंस फॉग, आई कैन नॉट टेल। बट एनीवे, लेट्स सी कहां तक ये फॉग होता है, सूरज कब निकलेगा पता नहीं है जी। सब धीरे धीरे जा रहे हैं। अदरवाइज क्या है कि इस सड़क पे लोग इतनी तेज गाड़ियां चलाते हैं, पुलिस का भी डर नहीं होता उन्हें, चलान का भी डर नहीं होता, बट हाँ भगाए चले जाते हैं, भगाए चले जाते हैं। मैं भी चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज मजबूर है साहब, नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, क्योंकि सेफली पहुंचना है बिना किसी को नुकसान किए हुए। तो ये हालत है जी, ये देखो ये माहौल है, क्या करें। अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस टाइप के धुंध में ड्राइव किया हो, कहीं गए हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फॉग में ड्राइव करने का, अगर कभी भी आपने किया है। चलो बीच बीच में आता रहूंगा मैं आपको लेके, दिखाता रहूंगा कहां पहुंचा, क्या सिचुएशन है। अभी तो सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी भी फॉग बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ ट्रैफिक नहीं है, सब अपने लेन में चल रहे हैं, अपनी स्पीड से चल रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। बट फिर भी फॉग तो है ही, और ऑलमोस्ट मैंने 150 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है टूवर्ड्स दिल्ली। देखते हैं फिर अभी आगे और कितना धुंध मिलता है, कोहरा मिलता है, बताता रहूंगा आप लोगों को। और प्लीज कमेंट करिए अगर किसी ने इस टाइप के फॉग में ड्राइव किया है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जिससे हमारे और भी दोस्त देख सकें और कुछ गाइडेंस ले सकें कि अगर वो इस टाइप के फॉग में कभी उनको ड्राइव करना पड़ सकता है तो किस टाइप की सावधानियां बरतनी पड़ती है। चलो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सो गाइस, चलो आ गए हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे, हवेली इन करनाल पहुंच गया जी मैं। अब थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ। चलो मिलता हूँ मैं कल थोड़ी देर में। हो चलो देखते हैं साहब, खाते पीते हैं, चाय पियेंगे। खा तो लिया था मैंने, सुबह ब्रेकफास्ट कर तो लिया था यार। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा बैक साइड का पोर्शन। ये देखो जी, देखा ही होगा आप लोगों ने सबने, करनाल की हवेली। कुछ ही लोग हैं यहाँ पे, देखे जी बर्गर किंग कोई नहीं है यहाँ पे। ठंड है इसलिए मुझे लगता है कोई लोग आते नहीं है,
आ रहे हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गोवा वो खाएंगे, उसमें मिल्क पियेंगे। सही है सब। थोड़ा बदलाव किया है इन लोगों ने यहाँ पे, थोड़ा चेंजेस किया है। डीजे वीजे होता है देखो यहाँ पे शाम में, अच्छा माहौल है खाना वाना खाने के लिए शाम में। ये देख सकते हैं आप लोग, रूम भी है यहाँ पे। चलो जी, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है मैंने घर के लिए। शॉपिंग क्या है, वही घर की आइटम्स हैं जो खरीदे हैं, घर में यूज़ हो जाएगा। गिफ्ट चाहिए थे तो एज ए गिफ्ट वही ये हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है, अभी भी कोहरा कम हुआ नहीं है, क्या करें। बट एक ड्राइविंग टिप्स देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी आप लोग टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से कहीं ट्रैवल करते हैं ना, अगर टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं एंड लॉन्ग रूट में ट्रैवल करना है, तो आफ्टर एवरी 50-60 किलोमीटर्स ना, गिव ए ब्रेक फॉर 10-15 मिनट्स, थोड़ा स्ट्रेच आउट, थोड़ा ये। तो उससे क्या है ना, आप लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं एक स्ट्रेच में। और सेम वही है अगर कार के साथ में, कार से ड्राइव कर रहे हैं तो आफ्टर 125-150 किलोमीटर्स एक स्ट्रेच दे दो, एक हॉल्ट दे दो 10-15 मिनट का, जिससे क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशंस और वो थकावट सी होती नहीं है, एंड देन यू कैन ड्राइव यू नो इन सिंगल स्ट्रेच लॉन्ग सेम डे में। जैसे 800-900 किलोमीटर ड्राइव करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। हाँ, कंटिन्यूस ड्राइव करोगे तो फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है बॉडी और फिर थकावट सी हो जाती है, फॉलो करना। और अपने भी आप टिप्स बताओ कि कैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा है अगर आपने लॉन्ग ड्राइव करी है तो। बाकी तो कुछ नहीं, चलते हैं। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है जी हमारी, दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत गंदी हो गई है गाड़ी अभी। माय गॉड, बहुत गंदी हो गई गाड़ी, तो घर जाने के बाद ही धुलेगी गाड़ी। चलो चलते हैं सब। हाँ चलिए जी, मिलते हैं फिर रास्ते में आप लोगों से, अपडेट देता रहूंगा आप लोगों को मैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लगा अपना। चलो जी, ये तो लग गया ऑल सेट, चलिए मिलते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा जाम है, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों है। मैंने मैप भी लगाया था, देख सकते हैं आप लोग कितना दिखा रहा है, पता नहीं शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है आगे रोड का, इसलिए जाम है। चलो ठीक है, थोड़ा सा पेन तो उठाना ही पड़ेगा अपने को, लेकिन हाँ एक बार बन जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी अपने को। बट बहुत ज़बरदस्त जाम है, पीछे तो बहुत सारी गाड़ियों में आपस में टकरा भी गई हैं, बहुत सारी गाड़ियों में ट्रक से टकरा गए, लड़ रहे हैं लोग आपस में, क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। अभी देखते हैं और कितना समय लगेगा यहाँ पे, सब इधर से उधर, कोई लेन ड्राइविंग का कोई फॉलो नहीं कर रहा है। देख सकते हैं आप लोग कितना जबरदस्त, चलो हमें दिखा लेते हैं थोड़ा सा आगे। किसान का जाम नहीं है ये, किसान भाई लोग उठ चुके हैं, कुछ हैं जो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वजह से ये जाम नहीं है। ये रोड कंस्ट्रक्शंस है हमारे पानीपत से दिल्ली की तरफ में, ये उसका ट्रैफिक जाम है। आगे पता नहीं सिंधु बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, उधर से हम जाएंगे नहीं तो पता है नहीं, क्योंकि हमें ईस्टर्न पेरिफेरियल का रास्ता लेना है बॉलीवुड ढाबा से। बहुत ही धीमे धीमे चल रहा है, अभी 2 घंटे और हैं,
कुछ नहीं कर सकते इस ट्रैफिक में, मूव कर रहे हैं सब इधर से उधर, उधर से उधर लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक में ही और जाम लगा रहे हैं। अगर लेन से फॉलो करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से इतना ये नहीं होगा, बट कुछ कर नहीं सकते, इसमें हेल्पलेस है। चलो मिलता हूँ फिर मैं, एक बार इस ट्रैफिक से निकलो तो बताऊंगा आपको आगे का रास्ता। देख सकते हैं आप लोग, हमारे किसान भाई लोग बैठे हुए हैं धरने पे, बट ट्रैफिक जाम नहीं है इनकी वजह से, आप देख सकते हैं। हाँ रास्ता थोड़ा संकरा हो गया है, इस वजह से थोड़ी ट्रैफिक मूवमेंट स्लो है, बट इधर के बैठे हुए हैं सारे, सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, खाना बन रहा है, सब कुछ, इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हैं जबरदस्त। सो इसी की वजह से था थोड़ा सा मूवमेंट स्लो थी, कुछ कर सकते नहीं है। देखें चलो जी निकल गए, अब पता नहीं आगे भी मिल सकता है ट्रैफिक, बट अभी तक तो दिखा नहीं रहा है ट्रैफिक, आगे दिखा रहा है थोड़ा सा, मेरे ख्याल से है आगे भी, अभी थोड़ा और चलेंगे आगे तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। धूप हो गई है बहुत जबरदस्त, गर्मी हो गई है, सुबह इतनी सारी इतना सारा धुंध हो रहा था और अभी देखिए इतना सारा धुंध के बाद ये धूप निकल आई है। टेम्परेचर भी लगभग 20 डिग्री के लगभग है, 20-21 डिग्री के लगभग। मूवमेंट स्लो है, दोनों तरफ मूवमेंट स्लो है, आप देख सकते हैं उस साइड भी मूवमेंट स्लो है। लो जी फिर से ट्रैफिक स्लो हो गया यहाँ पे लग रहा है, क्या कर सकते हैं। तो एक घंटे का सफर था, 1.5-2 घंटे का हो गया, लगेगा अभी टाइम थोड़ा सा और लगेगा। चलो देखते हैं जी आगे, वो दिख रहा है देखें आप ट्रैफिक, फ्लाईओवर का ही है मेरे ख्याल से ये ट्रैफिक, 2 किलोमीटर ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे की एंट्री दिखा रहा है यहाँ पे अभी। चलो मिलता हूँ मैं फिर अभी थोड़ी देर में आपसे। तो ईस्टर्न पेरिफेरियल पे चढ़ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ टोल पे, फास्ट टैग होने के बाद भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक पता नहीं किस वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, इसका अंदाज़ा नहीं है, बताएं आप। देखें फास्ट टैग लगा है, फास्ट टैग में भी इतना ट्रैफिक लगा के लोग खड़े हैं यहाँ पे, जिसका क्या मतलब है, कोई फ़ायदा ही नहीं है फास्ट टैग लगाने का जब अगर आपको ऐसे खड़ा रहना है। चलो कुछ तो मूव हो ही रहा है, हम भी निकलेंगे, फास्ट टैग है हमारे पास भी लगा हुआ, अब तो मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से कि आपको गाड़ी में फास्ट टैग लगाना ही लगाना है। बट कुछ ऐसे टोल्स हैं प्राइवेट टोल्स जिसपे कि अभी भी आपको पैसा देना पड़ता है, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे, मेरे ख्याल से उसे भी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को फास्ट टैग के थ्रू, सो सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। अदरवाइज क्या है ना कि वहाँ आने का जाने का बड़ा टीडियस ही होता है, और अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो, पेटीएम के थ्रू पेमेंट करते हो, बहुत ट्रैफिक लग जाता है वहाँ पे, जाम लग जाता है। तो ये है कि थोड़ा प्राइवेट टोल्स के ऊपर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी पता नहीं, अभी तो सब निकल रहे हैं, ये फास्टैग से डिटेक्ट हो रहा है इनका, नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं ये। चलो जी हम भी निकल गए।
अब थोड़ा स्ट्रेट रोड मिलेगा तो हम गाड़ी चला सकते हैं यहाँ पे एक अच्छी स्पीड में, बट मैं ड्राइव करूँगा नहीं। मैंने ड्राइव किया है इसमें अप टू 180 मैं गया हूँ इस हाईवे पे, इट्स वेरी गुड रोड। बट हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह बम्पी है सड़कें, सो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर फर्स्ट टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और स्पीड कंट्रोल में नहीं है, देन चांसेस हैं कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है या ऑफ द ट्रैक आप जा सकते हो इस सड़क पे। अगर दो तीन बार चलाया है दिन में रात में तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कंट्रोल करना है, स्पीड को कहाँ बढ़ाना है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ इस टाइप के बम्पीज बहुत आते हैं, अगर स्पीड है आपका तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वैसे मिनिमम स्पीड इसमें दे रखा है 120 किलोमीटर पर आवर, आप ड्राइव कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट 50 टू 60 किलोमीटर जो है 20 से 25 मिनट में आप आराम से कवर कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो यहाँ दिखा रहा है। गाजियाबाद 47 किलोमीटर पर 132 बागपत 16। देखते हैं लोग जा रहे हैं, बट हाँ अभी मूवमेंट हो गया है इस हाईवे पे भी ट्रकों का, तो कुछ किया जा नहीं सकता है क्योंकि भीड़ हो रही है इसमें भी। बट हाँ, एक चीज़ तो बहुत ही बढ़िया हुआ है यहाँ पे कि जैसे अगर आप पहले जैसे हम जाते थे तो हमें दिल्ली होकर जाना पड़ता था, जो कि अभी नहीं जाना पड़ता है दिल्ली होकर हमें, जिससे हमारा लगभग लगभग 2 घंटे की बचत होती है और हम स्ट्रेट इस पर चढ़ते हैं। हम फिर डासना होते हुए उधर अपने गाजियाबाद में जा सकते हैं। चलो देखते हैं, बट थोड़ा सा सड़क है तो बढ़िया, बट थोड़ा डेंजर चलते हैं, तो अभी रखता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ पहुँचने के पहले, पहुँचने के बाद भी क्योंकि वाइल्ड ड्राइविंग हो सकता है, चेकिंग भी होगी तो नहीं बना सकता। स्लोली फाइनली पहुंच गए एग्जिट 750 मीटर से, और अभी पता नहीं एग्जिट पे थोड़ा ट्रैफिक होगा, फास्टैग तो है लेकिन फिर भी लोग थोड़ा ऊपर नीचे बिना फास्टैग वाले भी हैं। कुछ गाड़ियां अभी भी चल रही हैं जो कि घुस जाते हैं, तो उसका कुछ किया जा नहीं सकता है वैसे, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं क्या है। मीटर पे 150 मीटर्स दिखा रहा है, हम एग्जिट लेंगे इस ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे से। फाइनली जो जर्नी सुबह 8 बजे स्टार्ट करी थी, अब वो थोड़ी देर में ख़त्म होगी हमारी जर्नी। अभी ये देखें ये साथ वहाँ जा रहे हैं, चलो ठीक है, हमारे डायरेक्शन में ही है। ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रकें लंबी लंबी ट्रकें खड़ी हैं, पता नहीं हम कैसे निकलेंगे। ये हर एक जगह टोल पे यही हाल है, क्या कर सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये कैश वाले घुस रहे हैं, बताइए आप फास्टैग के लेन में। देखिए साइड में सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि बिजली प्रदान करता है इस पूरे ईस्टर्न पेरिफेरियल में, पूरे में नहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस तरीके से हर एक एग्जिट में इन्होंने बना रखा है सोलर पैनल, सो सब सौर्य ऊर्जा से चल रहा है अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें तो। और बहुत अच्छा बन चुका है ये, क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो रुकना पड़ेगा। चलिए इसको क्रॉस करके फिर मैं निकल रहे हैं हम। निकल गए जी, निकल गए, चलो बहुत बढ़िया जी।
मजा ही सा आ गया। बस कुछ ही देर और फाइनली घर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी भी ये नहीं है, देखो जी कितने स्पीड में लोग बता रहे हैं गाड़ी को, हम भी चलाते हैं बट थोड़ा देखना चाहिए, क्राउडेड एरिया है तो थोड़ा संभल के चलाना चाहिए थोड़ी स्पीड। बाकी अगर कोई इस जगह से देख रहा है तो आप आइडेंटिफाई करो ये कौन सी जगह है। ये पूरा ही पूरा इसका नक्शा बदल चुका है, पहले यहाँ बहुत ट्रैफिक लगता था, बहुत ज़्यादा संकरा रास्ता था ये, लेकिन अभी देख सकते हो आप सामने साइन बोर्ड का, यहाँ टोल हुआ करता था जिसको नामो निशान नहीं है, वो फर्जी टोल था, बहुत सालों से चल रहा था, बट अभी बहुत अच्छा हुआ ये सड़क बनी और अभी तो जी सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छा है। आप यहीं से गुड़गांव भी जा सकते हो, दिल्ली भी जा सकते हो, बहुत समय बचता है, बहुत एफर्ट्स बचते हैं और मेरे ख्याल से और 10 मिनट लगेगा अगर आगे ट्रैफिक नहीं मिला तो घर पहुंचने में। सो मेरे ख्याल से जर्नी अच्छी रही मेरी, ओवरऑल ये रहा कि भाई ठंडे में आप निकल रहे हो आम लोगों को, बट अगर आप सुरक्षा अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, मास्क लगाते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से आप प्रोटेक्टेड है। देखो जी स्कूल भी खुल गया है, कुछ बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं, कुछ घर जा रहे हैं, स्कूल की अभी छुट्टी हुई है, बस कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और सजेशन डालिए कि और किस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को वॉच करने के लिए। चलो जी हमारा तो डेस्टिनेशन आ गया है, ये लो जी हमारा घर आ गया, दिखा दूँ आपको, अभी अंडरग्राउंड में जाएंगे हम तो पता नहीं, अंधेरा है अंडरग्राउंड में तो दिखेगा नहीं दिखेगा भगवान जाने, इस चीज़ का मैं नहीं बता सकता हूँ, बट मोबाइल कैमरा से बना रहा हूँ वीडियो तो समय मिलता नहीं है ड्राइविंग करते समय ब्लॉगिंग करने का, आज मैंने किया। देखो जी बच्चे फुल स्पीड में अपना ये चलाते हुए, चलो जी हम अपने बेसमेंट में जा रहे हैं, अपनी पार्किंग की तरफ जाएंगे अभी पता नहीं। वाओ चलिए जी थैंक यू, गाड़ी लगाता हूँ, पहुंच गए हैं। वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अपने कमेंट दीजिए, सजेशंस दीजिए।